शिमला टूर करने के लिए निकल चुके हैं। शिमला का मौसम काफी अच्छा है, लाइक हिमाचल में ब्यूटीफुल याक में तेरी चमकने गुलाबी सरारा। गुड मॉर्निंग गाइस, तशी दिले से वाले फिफुल नमस्ते, दिस इज योर दर्शन तमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल दर्शन व्लॉग्स। तो गाइस आज सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ दिल्ली टू शिमला। तो गाइस कल ना एक्चुअली नाइट क्लब में बहुत ज़्यादा लेट नाइट, सुबह के कितने 4-5 बजे रूम पे आया, फिर सुबह 10 बजे मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ अभी आधे रास्ते में, तो थोड़ा सा बस चाय ब्रेक लिया था। तो चलो अभी यहाँ से शिमला की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा दुकान है और भाई लोग को सब्सक्राइब भी करवाया, हमारे नया सब्सक्राइबर, वेलकम टू दर्शन व्लॉग्स फैमिली। आपका नाम? आर्यन। आर्यन चेतन। चेतन, वाओ, आर्यन और चेतन, देखना कंटिन्यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। और हमारे भाई जी का गाड़ी लेके जा रहे हैं शिमला। आपका नाम? कमलेश। कमलेश भाई का गाड़ी है ये, तो कमलेश भाई का गाड़ी लेके हम पहुंचने वाले हैं शिमला, है ना, शाम तक पहुंच जाएंगे ना। हाँ जी हाँ जी। तो चलो आराम से चलते। चलो अभी शिमला का मौसम शायद ठीक ठाक हो, यहाँ तो थोड़ा बहुत गर्मी है, दिल्ली में भी मज़ा आया, चलो अभी शिमला का मज़ा लूटते हैं, है ना। जी जी। चलो शिमला में पहली बार जा रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं कि शिमला इज सेम लाइक दार्जिलिंग, तो देखते हैं शिमला और दार्जिलिंग मतलब सेम है या नहीं। और यहाँ पर हमारे मैडम जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कमलेश भाई। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आराम से जाना। हाँ जी हाँ जी। शाम को पहुँचेंगे, शाम को 8 बजे पहुँचेंगे, 8-9 बजे पहुँचेंगे शायद। We got everything we need right here, wine and burning chemistry, you and me alone, you and me alone. Finally अभी हम पहुंचने वाले हैं शिमला। एक्चुअली हम हिमाचल तो एंटर कर दिया हो, तो शिमला पहुंचने वाले हैं, और पहुंचते पहुंचते गए थोड़ा बहुत अभी अंधेरा हो गया है। सो गाइस एक्चुअली मैं ना रास्ते में सो गया, पूरा नींद पूरा हो गया, और अभी हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए, पहुँच जाएंगे शिमला थोड़ी देर में, आप लोग को दिखाऊंगा। तो मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, तो चलो गाइस अभी थोड़ा बहुत खाना वाना भी खा लिया, अभी हम निकल रहे हैं शिमला की ओर। और यहाँ पर रुके थे गाइस, बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पर सब कुछ है। एंड गाइस अभी हम पहाड़ में पहुँच गए ना, और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी दार्जिलिंग पहुँच गया, दार्जिलिंग जा रहा हूँ जैसा लग रहा है, देखो लुक्स लाइक दार्जिलिंग जैसा थोड़ा थोड़ा। फाइनली अभी हम पहुंच गए शिमला, और ना गाइस रास्ते में आते आते मुझे तो सच्ची में दार्जिलिंग जैसा ही लग रहा है, क्योंकि सेम लाइक दार्जिलिंग। और अभी रात में तो आप लोगों को क्या दिखाओ, कुछ भी दिखाने को नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया देखो। तो कल सुबह हम टूर करेंगे शिमला का, तो चलो अभी हम यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। तो गाइस अभी के लिए खाना वाना खा के रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए। तो गाइस सुबह मिलेंगे शिमला के सुपर नज़ारे के साथ में, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन शिमला, सो इट्स सिमिलर लाइक दार्जिलिंग, तो बहुत एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए। तो कल सुबह आप लोगों के साथ टूर करेंगे शिमला। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम टू द नेक्स्ट डे इन शिमला। सो गाइस आज शिमला में पहले दिन है, सो चलो आज का दिन का शुरुआत अच्छे से कर लेते हैं। और यहाँ से व्यू देखो गाइस, यहाँ पर शायद एक स्कूल है क्या है, सुबह बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा था, पीटी परेड मतलब क्या हो रहा था, एक्सरसाइज वगैरह कुछ हो रहा था, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था। आज मौसम भी अच्छा लग रहा है, और गाइस चलो रूम में SMS पड़ा हुआ है, और आज शिमला का थोड़ा सा लोकल टूर कर। लेडीज डन। तो गाइस फाइनली अभी सुबह सुबह शिमला टूर करने के लिए निकल चुके हैं। और गाइस ये रहा हमारा होटल, होटल सनराइज, बहुत ही अच्छा स्टे था, रूम भी काफी अच्छा है, बढ़िया है। और गाइस आप मौसम देख सकते हैं शिमला में, बहुत ही बढ़िया मौसम है। सो गाइस जैसे मैं कल आया ना, मुझे लगा कि सब लोग बोल रहे थे कि शिमला इज लाइक दार्जिलिंग, एंड इवन अजा बोल रहे थे, रानी भी बोल रहा था शिमला एंड दार्जिलिंग सेम सेम है, क्योंकि रानी का पहले ये है ना स्कूल लाइफ यहाँ पर बिताए, तो आज एक्चुअली रानी का स्कूल देखने के लिए जाएंगे सबसे पहले। तो सो चलो आप लोगों को भी घुमाऊंगा, एंड हम भी घूम लेते हैं शिमला। गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी मैं दार्जिलिंग में हूँ, क्योंकि सेम लाइक दार्जिलिंग, देखो यार दार्जिलिंग जैसा ही है। हेलो गुड मॉर्निंग सर जी, ठाकुर जी कैसे हो? आपका होटल बहुत अच्छा है, होटल सनराइज। चलो आज स्पेशली हम जा रहे हैं रानी के पुरानी स्कूल, रानी का स्कूल लाइफ है ना, पहले का याद आ रहा है?
हाँ बस बन का हीरोइन बन के घूमता होगा यहाँ पर। चलो लेट्स गो, आगे बैठना है ना, आगे बैठ जा। हाँ या ओके, यू कैन सीट। तो चलो गाइस, सबसे पहले आज हम जा रहे हैं छोटा शिमला। तो छोटा शिमला में रानी का स्कूल है, वो स्कूल देख लेंगे, वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। मौसम तो आई लव शिमला, मतलब शिमला का मौसम काफ़ी अच्छा है, लाइक दार्जिलिंग सेम। ये तो बंद हो गया, रामदास का दुकान, रामदास का दुकान तो बंद हो गया। मेरे को रामदास लाला को देखना है, यहाँ पे रामदास का दुकान है, बंद है। पहले जैसे वैसे ही है, कभी बदला नहीं है। अंदर जा सकते हो का? स्कूल है? हाँ, स्कूल है। गाइस अभी स्कूल का गेट बंद है। सो गाइस, सुबह सुबह हम पहुँच गए रानी के स्कूल, और ये एक्चुअली टिबेटन स्कूल है। तो यहाँ पर पहले रानी पढ़ते है, हमारे आजा यहाँ पर पढ़ते है पहले ना। वाओ, ब्यूटीफुल स्कूल है। कितने क्लास तक पढ़ा आपने? 9th ग्रेड तक पढ़ा, उसके बाद फिर US चले गए। अच्छा, वो देखो छोटे छोटे बच्चे भी है। हेलो बच्चों, क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? मैं भी खेलूं? मैं खेलूंगा भाई तुमसे। अच्छा तो कौन सा लगाऊं? देखो कौन सा लगाऊं? गोली लगा दो, गोली लगा दो। ओए सो गाइस, ये स्कूल का नाम संभोटा टिबेटन स्कूल शिमला। पुराने यादें ताज़ा हो रहे हैं। अच्छा का तो गाइस देखो, यहाँ पर स्कूल में पहुँच गए, और अभी पुराना फोटो, स्कूल का पुराना फोटो मिल गए, और यहाँ पर हो सकते रानी का भी फोटो हो, तो वही ढूंढ रहे अभी है ना। मिल गया तो अच्छा है, पुराना स्कूल। ओए रानी, ये देख तू चड्डी में घूम रहे है। मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किया ना स्कूल में। स्कूल में ये 92 का है, यहाँ पर होगा शायद। यहाँ पर है 1993, ओ या 94 आने वाला है, ये 93 है। 94 नहीं, 90 इस ऑल इन इस या उनके सामने मैंने डांस किया। यहाँ मैं क्लास में बैठी हूँ, मिस सुट। क्लास सिक्स है रानी। उस समय ये खुला होता है ना, हाँ। यहाँ से पीछे से जाते हैं ऊपर, गरमा लेने जाते हैं, इमली गरमा, हाँ। खाते इसके नीचे से शक्कर से जाते हैं, हाँ। स्कूल तो काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया भी है ना। CST शिमला, हाँ। अब पढ़ाई खत्म हो गया, बच्चे निकल जाए। सो बच्चों, अपना निकालो, अपना बुक्स निकालो, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो चलो गाइस, आज मतलब रानी का मतलब सी केम आफ्टर लाइक 20-24 ईयर्स बाद आ रहे हैं ना अपने स्कूल, तो बहुत ही अच्छा लगा। इनका स्कूल भी देख लिया, और पूरा यादें थोड़ा इमोशनल भी हो गया, वहाँ पर प्रिंसिपल सर से भी मुलाकात हो गया, एंड थोड़ा बहुत स्कूल में एक्सप्लोर करने को भी मिला, एंड यहाँ पर उनका क्लास था, ऐसे ऐसे बोल रहे, बहुत कहानी सुनाया। तो चलो अभी चलते, हो गया आपका हाँ सपना पूरा? अभी तक रो रहे, डोंट क्राई। स्कूल बहुत ही अच्छा लगा, और रानी ने ना अपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए कुछ यहाँ पर हेल्प भी किया, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। चलो अभी रानी का स्कूल घूम के यहाँ पर थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट पे आया है, एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं दार्जिलिंग में हूँ, जैसे कि अभी मैं लेप्चा जगत में आ गया। दार्जिलिंग में ऐसा है ना, लेप्चा जगत में आ गया, एंड यू कैन सी द पाइन फॉरेस्ट, ग्रीन वैली, वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छा है।
लेकिन यहाँ का ये जो है ना पाइन्स डिफरेंट है। दार्जिलिंग में थोड़ा अलग किस्म का पेड़ होता है, यहाँ पर थोड़ा अलग किस्म का है, ये देखो। लेकिन क्वाइट सिमिलर, मतलब सेम सेम जैसा ही है। सो गाइस देखो, टूरिस्ट लोग यहाँ का लोकल ड्रेस के साथ फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पर एक सर जी ने बताया कि यहाँ पर गद्दर का फिल्म शूटिंग भी यहीं कहीं पर हुआ था। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ग्रीनरी है गाइस। चलो, एंड बहुत क्लीन भी है, बहुत साफ सुथरा है हिमाचल। गाइस अभी हम यहाँ पर लंच करने के लिए आए हैं, एंड ये जगह का नाम आइडिया नहीं है, छरा बड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं। और यहाँ से गाइस व्यू काफ़ी अमेजिंग है, सेम लाइक दार्जिलिंग जैसा ही है। लेकिन गाइस शिमला ना दार्जिलिंग से काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा भी है, बहुत ही साफ सुथरा एज कम्पेयर टू दार्जिलिंग, और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ का रोड भी काफ़ी अमेजिंग है, मतलब दार्जिलिंग से बड़ा है, रोड भी बड़ा है, स्पेस भी काफ़ी है, उतना ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो चलो अभी खाना वाना खाते हैं। सो चलो खाना भी आ गया, फटाफट से खाना खाते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं। ओ खाने में आ गया, खाने में क्या है? वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आई कैन नॉट वेट टू ईट। आज हमने कहीं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, डायरेक्ट लंच कर रहे हैं। इट्स लाइक ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ये लोकल मटन है गाइस, लोकल मटन। वाओ यम्मी यम्मी यम्मी। गाइस चलो अभी फाइनली खाना वाना हो गया है, और यहाँ पर अभी एडवेंचर अम्यूजमेंट पार्क आया है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमेंगे, एडवेंचर एडवेंचर करेंगे। सो चलो गाइस बहुत सारे चीजें करने के लिए, चलो चलो लेट्स गो लेट्स। स्टार्टिंग अम्यूजमेंट, थ्री सेक्शन है, एडवेंचर पे रिवर्स बंजी, यहाँ से स्लाइड होके जाओगे उधर तक। ये जिप लाइनिंग है, यहाँ से स्टार्ट होती है। फिनिश कहाँ करेगा? फिनिश आगे और एक्टिविटीज है, लैडर ब्रिज है, क्लाइंबिंग है। सो चलो गाइस अभी कुछ थोड़ा बहुत एडवेंचर कर लेते हैं, एंड वेलकम करने के लिए हमारे किंग कॉन्ग बेटा। हेलो किंग कॉन्ग भाई साहब, कैसे हो? गिव मी हाई फाइव, ये ये हाई फाइव करो, हाई फाइव। हेलो, मेरे बहुत डर लग रहा है, आप जा रहे हो, बहुत डर लग रहा है। सो चलो गाइस अभी जिप लाइन करने जा रहे हैं, तो आजा तो डर के मारे बैठे, ये नाटक मत करना। यहां से करना, यहां से आजा, मैं करूंगा फिर आओना, ठीक है? सबसे पहले मैं करूं, नीचे फेंका दे, नीचे फेंका, नीचे आना, मैंने नीचे फेंका भैया, कैसे आना? आप मेरे को पकड़ेगा सच्ची, मैं मर जाऊंगा तो हाथ टूटेगा। हाथ यही पकड़ना, मेरा फोन नहीं गिरेगा, एक मिनट मत, हाथ में होगा जी, मत छोड़ना, मत छोड़ना, एक मिनट। ये वाला मतलब ब्रिज भी पार कर लिया, तो अभी नेक्स्ट एडवेंचर में जा रहे हैं। तो चलो गाइस अभी नेक्स्ट ये मतलब जंप करना है, चलो यहाँ पर रख देता हूँ कैमरा। So guys, अभी हम जा रहे हैं 3D में, गिर जाएगा जल्दी कर। खोलना 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 दरवाजा, बच्चे का रुको मत
सो चलो गाइस अभी थोड़ा बहुत घूम लिया है और देखते देखते धीरे धीरे शाम भी हो रहा है, थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा है। अभी एक्चुअली यहाँ पर आए थे लेकिन हॉर्स राइडिंग कुछ भी नहीं किया, ऐसे थोड़ा बहुत घूम लिया। अभी हम बैक टू मॉल रोड जा रहे हैं, मॉल रोड है ना। हाँ जी, इस तरफ राइड करके लेके जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा याक है। ओ ये हेलो याक, याक 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 का नाम क्या है भाई? मुन्नू है उसका, रांझा है। रांझा और मुन्नू, रांझा एंड मुन्नू। वाओ, लड़का लड़की? दोनों लड़का है। लड़की? ये आंसर में ये मेल है, मेल। हाय गाइस, अभी मैं हिमाचल में ब्यूटीफुल याक में हूँ। बहुत ही अच्छा इसका। अभी थोड़ा ठंड लग रहा था ना, इसलिए मैंने टोपी पहन लिया है। अभी यहाँ पर मॉल रोड पहुँच गए एंड यहाँ पर अभी थोड़ा कोकोनट वोकोनट फ्रूट व्रूट खाएंगे एंड जाएंगे मॉल। हो गया, चलो कोकोनट जी ब्लॉग में आ रहे हैं। ओके सो गाइज, अभी हम पहुंच गए मॉल रोड और यहां पर जैसे कि हमारे दार्जिलिंग में चौरस्ता है ना, वैसे टाइप का है। यहां पर भी एकदम गाड़ी वाड़ी कुछ अलाउड नहीं है, बाइक्स वाइक। तो यहां पर जैसे हम चलते चलते वॉकिंग स्ट्रीट, लाइक वॉकिंग स्ट्रीट। A fried omelette to veg. That is not available, then I show the full fried omelette. Tomato to sauce, sauce to tomato, magic tomato. Tatni te tamatal. So guys, actually यहाँ पर ना थोड़ा बहुत ऐसे शॉपिंग करने के लिए आए थे और प्रिंसेस रानी भी आए थे, तो प्रिंसेस को एक डॉल पसंद आया ना, तो फिर मैंने बोला ये बहुत महंगा है मत ले ले, बोला ना फिर वो ऊपर चले गए। तो मैं उसको सरप्राइज दे रहा हूँ, ये हेलो किटी का एक छोटा सा डॉल है। कहाँ है? Yes, ये है ना। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस देखो, थोड़ा बहुत शॉपिंग हो गया और ये तो बिल्कुल चौरस्ता, जैसे कि मैं अभी चौरस्ता जा रहा हूँ, यहाँ पर एक लेनिस वाला रोड है ना, वैसा जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल चौरस्ता एकदम सेम टू सेम चौरस्ता। देखो चौरस्ता भी सेम ऐसा है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी दार्जिलिंग में घूम रहा हूँ, शिमला एंड दार्जिलिंग सेम। वाह गाइस देखो, सनसेट कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, सनसेट का नज़ारा देखो गाइस, शिमला का सनसेट। वाह, सो गाइस देखो शिमला का ब्यूटीफुल नजारा। और यहाँ पर पीछे भाई बंदर आ गए, बंदर जय हनुमान। गाइस देखो शिमला बहुत ही खूबसूरत लगता है शाम में तो, और सेम दार्जिलिंग सिक्किम जैसा ही है, लेकिन गाइस दार्जिलिंग सिक्किम से काफी सुंदर है क्योंकि है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लीन है। तो अभी यहाँ पर देखो कितना क्लीन है, हर जगह क्लीन है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर जगह क्लीन है, हर जगह शिमला हर जगह क्लीन। देखो गाइस शाम को इतना खूबसूरत लग रहा है ना, वाह अमेजिंग। चलो चलते नीचे, लेट्स गो। घूमते हम चौरस्ता पहुंच गए। ये तो बिल्कुल चौरस्ता जैसा ही है। देखो गाइस यहाँ पर देखो पूरा खुला स्पेस है, और यहाँ पर हमारे चौरस्ता में भानुभक्त जी का स्टैचू है। यहाँ पर किसका है पता नहीं, लेकिन सेम है, देखो दूर से थोड़ा नजर नहीं आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो फाउंटेन वगैरह भी है, सेम लाइक दार्जिलिंग में ऐसा एक स्क्रीन है चौरस्ता में, है ना। वाह, वेलकम टू चौरस्ता। गंदी धंगा बोलते हैं, पर इट्स सेम लाइक दार्जिलिंग गाइस, मतलब शिमला सेम लाइक दार्जिलिंग। चौरस्ता में घोड़ा है ना, यहाँ पर भी ऐसे घोड़ा वगैरह है, देखो हॉर्स राइडिंग करने के लिए। अभी अभी जाना है, बाय प्रिंसेस, घोड़े की सवारी। सो गाइस यहाँ पर एक्चुअली इंदिरा गांधी जी का स्टैचू है, दूर से नजर नहीं आ रहा है, आया ना, यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी जी का है। अभी यहाँ पर हिमाचली ड्रेस पहन के फोटो शूट होने वाले हैं, इसको तो मैं पकड़ूंगा, मुंडी निकाल दूंगा। वाह प्रिंसेस, यू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, एक बार घूमो ना फिनी नहीं। देखो गाइस ओरिजिनल कैंडल लोरी सप्लाई हो, हाँ कैंडल लोरी
ठुमक ठुमक तू चल है ये पहाड़ी बाटो मा भाई ऐसे करते तो उसको कर लाल चुन है चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकने गुलाबी सरारा सो गाइस देखो भैया जी अभी डेकोरेट कर रहे हैं यहाँ पर कैंडल ओरी सुंदर छो बाल का नाम गाइस भैया जी को मैंने हिमाचल का ड्रेस पहनाने के लिए बोला पता नहीं क्या पहना हिमाचल का ड्रेस टोपी नहीं होता टोपी भी अलग है यहाँ हिमाचल का टोपी ऐसा होता है हिमाचल का अलग होता है ना भैया टोपी हाँ हिमाचल का टोपी अलग भैया जी अभी सही टोपी निकाला ना भैया जी ने नहीं लगता है ये वाला ना इसके साथ Okay, guys, this is the real Hello Kitty. Thank you. And the kid, too. So it's me and my mom. And then that's your name. Okay. Thank you. Welcome.